नमस्कार बेटा जी, मेरा नाम राजरानी गोयल है। मैं दिल्ली से हूँ। 10 साल से मैं रामलाल आश्रम में रह रही हूँ। 3 रोज हो गए थे मुझे खाना खाए। अगले रोज फिर वो बेटी आ गई, कहने लगी मौसी जी तुम्हें मैं ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वृद्ध लोगों को जब मार पीट करके घर से निकाल देते हैं। मेरे यहाँ ऐसे कई वृद्ध लोग हैं जो कई दिन भूखे रहे घरों में, और उनको मारा पीटा गया और तब वो आश्रम आए। हमारे यहाँ ऐसा भी देखने को मिला है कि बच्चे हैं, अब उनसे कहो आपके पिताजी माताजी आश्रम में हैं, आप उन्हें लेके जाइए, तो नहीं ले जाते। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए भी शरीर नहीं लेते। अब तक मैंने भी 100 से अधिक वृद्ध माता और बाबा का अंतिम संस्कार किया है। रामलाल वृद्धाश्रम में रहना खाना कपड़ा लत्ता इलाज सब निःशुल्क है। यह हमारे यहाँ एक छोटा हॉस्पिटल भी है, एक डॉक्टर 24 घंटे रहते हैं, लाइब्रेरी है, सभी अखबार आते हैं। मैं सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी छोड़ करके इस सेवा में हूँ। जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है उनकी रामलाल वृद्धाश्रम सेवा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इसमें और इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो, इसके लिए मैं शहरवासियों से प्रार्थना करूँगा कि रामलाल वृद्धाश्रम को और सहयोग करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके।